दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस बॉलीवुड एक्टर के पास ज्यादा महंगी गाड़ी है, यानी बॉलीवुड एक्टर की गाड़ियों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इसमें सिर्फ एक्सपेंसिव गाड़ियों के बारे में ही बताऊंगा। इस लिस्ट में कई गाड़ियां ऐसी होंगी जिनका नाम सेम होगा पर उनके प्राइस अलग होंगे और उसकी वजह है उसका मॉडल। तो जानने के लिए बन रही है और जानिए कि किस किस बॉलीवुड एक्टर के पास कौन सी गाड़ियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। अजय देवगन। अजय देवगन का असली नाम है विशाल देवगन। ये एक इंडियन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इनके पास तीन महंगी कार हैं जिनका नाम है लैंड रोवर, रेंज रोवर, मैसरेटिक क्वाड्रोपोल्ट और मर्सिडीज बेंज एस क्लास। लैंड रोवर रेंज रोवर में आपको 3.0 और 5.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 3.0 और 4.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। इसकी कीमत शुरू होती है 4 करोड़ की। मैसरेटिक क्वाड्रोपोल्ट में आपको 3.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 3.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। इसकी कीमत है 2 करोड़ 20 लाख रुपए की। और अब बात करते हैं मर्सिडीज बेंज एस क्लास की। इसमें आपको 3.0, 4.0 और 5.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी पेट्रोल में तीन इंजन के ऑप्शन और डीजल में 3.0 लीटर का इंजन मिलता है। इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए की। तो अब आपको मालूम हो गया कि अजय देवगन के पास ये तीन महंगी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत इतनी इतनी है। संजय दत्त। संजय दत्त एक इंडियन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इनके पास दो महंगी कार है जिनका नाम है फरारी 599 और रोल्स रॉयस फैंटम। फरारी 599 में आपको 6.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी कीमत है 3 करोड़ 40 लाख रुपए की। दूसरी कार है रोल्स रॉयस फैंटम। इसमें आपको 6.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए की। सैफ अली खान। सैफ अली खान एक इंडियन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इनके पास तीन महंगी कार है जिनका नाम है लैंड रोवर, रेंज रोवर, ओडी R8 और जीप ग्रांड चेरोकी SRT 4x4। लैंड रोवर रेंज रोवर में आपको 3.0 और 5.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 3.0 और 4.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये की है। दूसरी कार ओडी R8। इसमें आपको 5.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी कीमत है 2 करोड़ 47 लाख रुपए की। और तीसरी कार है जीप ग्रांड चेरोकी SRT 4x4 में आपको 3.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी कीमत है 1 करोड़ 14 लाख रुपए की। तो सैफ अली खान के पास ये तीन महंगी कार हैं। वैसे तो और भी कारें हैं लेकिन महंगी कार ये हैं। जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और सुपर मॉडल हैं इंडिया में। इनके पास दो महंगी कार है जिनका नाम है लैम्बोर्गिनी ग्लैडो और ब्लैक निसान GTR। लैम्बोर्गिनी ग्लैडो में आपको 5.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए की। और दूसरी कार ब्लैक निसान GTR में आपको 4.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए की। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन एक इंडियन एक्टर, बेहतरीन मॉडल हैं। इनके पास तीन महंगी कार है जिनका नाम है फरारी 360 मोडेना, रोल्स रॉयस घोस्ट सीरीज सेकंड और एस्टन मार्टिन रैपिड एस। फरारी 360 मोडेना में आपको 3.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी कीमत है 4.5 करोड़ रुपए की। दूसरी कार रोल्स रॉयस घोस्ट सीरीज सेकंड में आपको 6.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कीमत है 4.5 करोड़ रुपए की। तीसरी कार एस्टन मार्टिन रैपिड एस में आप 6.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 3 करोड़ 80 लाख रुपए की। सलमान खान। सलमान खान एक इंडियन फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, यानी कि शो होस्ट करते हैं। इनके पास तीन महंगी कार है जिनका नाम है लैंड रोवर, रेंज रोवर, ओडी R8 और लेक्सस LX570। लैंड रोवर रेंज रोवर में आपको 3.0 और 5.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल में 3.0 और 4.4 लीटर का इंजन मिलता है। इसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए की। दूसरी कार ओडी R8। इसमें आपको 5.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है
2,47,00,000 रुपए की। तीसरी कार सलमान खान के पास जो महंगी है वो है लेक्सस LX 570 में आपको 5.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 2,30,00,000 रुपए की। तो सलमान खान के पास ये तीन महंगी कार हैं। यूं तो और भी कार हैं लेकिन महंगी कार ये हैं। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का असली नाम है राजीव हरिओम भाटिया। ये एक इंडियन बोर्न कैनेडियन एक्टर हैं, प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं। इनके पास तीन महंगी कार है जिनका नाम है लैंड रोवर, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस फैंटम और बेंटली कॉन्टिनेंटल GT। लैंड रोवर रेंज रोवर में आपको 3.0 और 5.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 3.0 और 4.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और कार की कीमत 4,00,000 रुपए की है। दूसरी कार रोल्स रॉयस फैंटम में आपको 6.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत जो है वो 8,00,000 रुपए की है, जो कि काफ़ी महंगी कार है। तीसरी कार है बेंटली कॉन्टिनेंटल GT। इसमें आपको 4.0 और 6.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 3,29,00,000 रुपए की। आमिर खान। आमिर खान का पूरा नाम है मोहम्मद आमिर हुसैन खान। ये एक इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर और टेलीविजन टॉक शो होस्ट हैं। इनके पास दो महंगी कार है जिनका नाम है मर्सरीज S600 और रोल्स रॉयस फैंटम। मर्सरीज S600 में आपको 6.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 10,50,000 रुपए की। दूसरी कार है रोल्स रॉयस फैंटम। इसमें आपको 6.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत 4,00,000 रुपए की। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट हैं। इनके पास तीन महंगी कार है जिनका नाम है मर्सरीज S600, रोल्स रॉयस फैंटम और लैम्बोर्गिनी मिसिएलागो। मर्सरीज S600 में आपको 6.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 10,50,000 रुपए की। दूसरी कार है रोल्स रॉयस फैंटम। इसमें आपको 6.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत 8,00,000 रुपए की। लैम्बोर्गिनी मिसिएलागो में आपको 6.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 4,00,000 रुपए की। और अब बात करते हैं हम बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे के बारे में, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं तो जानिए। शाहरुख खान। शाहरुख खान इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं। इनके पास तीन महंगी कार है जिनका नाम है बुगाटी विरोन, रोल्स रॉयस ड्रॉप हेड कोप और BMW i8। बुगाटी विरोन में आपको 8.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 12,00,000 रुपए की। दूसरी कार है रोल्स रॉयस ड्रॉप हेड कोप में आपको 6.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और कार की कीमत है 4,20,00,000 रुपए की। और तीसरी कार है BMW i8। इसमें आपको 7.1 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी मिलती है और कार की कीमत है 2,20,00,000 रुपए की। तो शाहरुख खान के पास ये हैं तीन महंगी कारें। तो अब आपको पता चल गया कि 10 बॉलीवुड एक्टरों के पास कौन कौन सी महंगी गाड़ियां हैं। आपको इन एक्टरों में कौन सा एक्टर पसंद है और इनके पास जो कार है उनमें से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।